ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। हर वीडियो में आपसे बोलते हैं कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं, क्योंकि सूर्य आपको तेज देता है, प्रकाश देता है, ओजस्व देता है, आपको शक्ति देता है, आपको एनर्जी देता है। और फिर सूर्य ना हो तो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए, सृष्टि का चलना ही मुश्किल हो जाए। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है और आपकी आत्मा का कारक है। आपके पिता से इसका सीधा संबंध है, पिता का भी कारक है, अग्नि तत्व है। मित्रों, सूर्य का जो है परिवर्तन अब होने जा रहा है। अब तक सूर्य मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 अप्रैल दोपहर 2:58 पर अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और इनकी उच्च राशि में जब प्रवेश करेंगे तो क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। पहले आप थोड़ा सा सूर्य के बारे में समझ लें। सूर्य से आपको नेम फेम, यश मान सम्मान, प्रसिद्धि, उच्च पदों की प्राप्ति, सरकारी नौकरियों में उच्च पद, देश विदेश में ख्याति प्राप्त, जातक जहाँ जाता है अगर गण्य रहता है उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत बढ़ती है। जातक सूर्य के समान चमकता है शुभ स्थिति होने पर, और अशुभ स्थिति होने पर बहुत प्रयत्न, बहुत मेहनत करने पर भी समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है और आदमी उतना सम्मानित नहीं हो पाता। और सूर्य आपको एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, तेज ओजस्वता देता है। अब यहाँ जो परिवर्तन इस बार हो रहा है उच्च राशि में, तो सूर्य प्रवेश जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली भी हैं। दिक्कत वाली चीज़ें यह हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से राहु संचार कर रहे हैं और 22 तारीख को वहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे। तो जब राहु वहाँ संचार कर रहे हैं, जब सूर्य राहु की युति बनती है, तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहण दोष बनता है और इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। और 22 को वहाँ पर राहु आ जाएंगे, बृहस्पति आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति, तो वहाँ पर गुरु चंडाल नाम का दोष भी बनेगा। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि यहाँ पर शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही, नीच की दृष्टि है। तो यहाँ पर ये सूर्य जब परिवर्तन करेंगे तो कुछ थोड़ी उथल पुथल तो जरूर होगी। हालांकि उच्च राशि में है, कुछ राशि वालों को इसके अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं और कुछ राशियों को इसको काफ़ी अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर सूर्य आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे, यानी परिवर्तन करेंगे। तो सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं कह सकते, हालांकि उच्च की राशि में है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी राहु पहले से संचार कर रहे हैं, तो सूर्य जब वहाँ ट्रांजिट करेंगे तो एक ग्रहण दोष बन जाएगा अपने आप में, बड़ा दोष। और 22 तारीख को वहाँ पर आपके गुरु भी आ जाएंगे तो गुरु चंडाल दोष भी बनेगा। और ऑलरेडी वहाँ बुध भी संचार कर रहे हैं तो 14 तारीख को बुध आदित्य योग भी बनेगा, लेकिन इस बुध आदित्य योग का फल आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, क्योंकि बुध आपके द्वादेश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, लेकिन भाग्यश है ये एक अच्छी स्थिति है, मूल त्रिकोण के स्वामी हैं, तो थोड़ा तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी यह एक आपका जो सप्तम भाव होता है, जो पति पत्नी का भाव होता है, काम का भाव होता है, साझेदारी ला पार्टनरशिप का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, यह मारक स्थान भी होता है। तो यहाँ पर यह ग्रहण दोष बनना, गुरु चंडाल दोष बनना, या कोई बहुत शुभ स्थिति इसकी नहीं कहलाती। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, देखिए दाम्पत्य जीवन में कोई मतभेद डिफरेंसेस पति पत्नी के बीच में, उनकी हेल्थ एक दूसरे हेल्थ डिस्टर्ब, या कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, एक दूसरे के प्रति संतुष्टि के भाव में कमी क्रिएट हो सकती है, कहीं विवाह शादी होने जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, कोई व्यवधान रुकावटें आ सकते हैं, प्रेम संबंधों में कोई धोखा चिटिंग,
बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय के लिए रुक जाइए, तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। लेकिन करियर व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। थोड़ा यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, थोड़ी क्रोध उत्तेजना की स्थिति और थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन लाभ की दृष्टि से ठीक रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े भाई बहन मित्रों को लाभ मिलेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। करियर व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। कोई परिवर्तन करना चाहे बिजनेस में, नौकरी में, तो आप प्रयास कर सकते हैं। कोई चेंजेस लानी है बिजनेस में, नया कार्य खोलना है, उसमें कोई इंक्रीमेंट्स करने, वृद्धि करनी है, कर सकते हैं। जितना प्रयास मेहनत करें उसके अकॉर्डिंग शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेशों की यात्राएं आपकी संभवतः पूर्ण होंगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतें। पारिवारिक दृष्टि से थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद क्रिएट हो सकता है। कोई इस किस्म की स्थिति क्रिएट हो तो क्रोध उत्तेजना से बचें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, बोलचाल लैंग्वेज ठीक रखें, नहीं तो परिवार के बीच में आपका माहौल खराब हो सकता है। कोई फाइनेंशियल लॉस भी आपको हो सकता है। भविष्य के लिए फिलहाल निवेश करने से बचें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यहाँ पर स्थिति ठीक है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरते हैं। पड़ोसी वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे संबंधों को ठीक रखें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा प्रयास कीजिए। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। जो जातक विदेशों में है लेकिन उनको संभल कर चलने की ज़रूरत है। कोई नौकरी जा सकती है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या कोई अन्य कार्य करते हैं, तो संबंध खराब हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके छूट सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का लॉस होना, चोरी होना या हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ी चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा एकाग्रता के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़े मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखिए, अंततः आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। तो थोड़ा हेल्थ के प्रति और मानसिक थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़े उपाय जरूर करें। चूँकि आपकी राशि पर, आपके लग्न पर, फर्स्ट हाउस पर सूर्य की निज दृष्टि पड़ रही है, तो यह स्थिति भी आपके बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो मित्रों, आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्य नमः का एक मिनट तक जाप करें, और साथ में आप काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं। रविवार को गुड़ से बने मीठे चावल आप पक्षियों को खिलाएं, और साथ में मित्रों एक बार कुंडली का एनालिसिस यानी उसका विश्लेषण जरूर करा लें। क्योंकि यह फ्रादे चंद्र राशि पर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रोडक्शन आपको कर रहा हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अहमियत होती है। लेकिन शत प्रतिशत परिणाम तभी सामने आते हैं जब आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का विश्लेषण हो जाए। क्योंकि जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, वह आपको प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का आईना है, मिरर है, दर्पण है, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, तो शत प्रतिशत परिणाम आपके सामने आते हैं। तो मित्रों, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लें। अगर तुला राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा, सूर्य की या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः तो दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे और आपको शुभत्वों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। शारीरिक, मानसिक या पैसे का कोई नुकसान आपको यहाँ पर हो सकता है। तो मित्रों, एक बार विश्लेषण जरूर करा लें, ऐसी मेरी सलाह है आपको, और उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। कंटिन्यू श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए तो निश्चित रूप से आप दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री